हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर उषा पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीएबीपीजी कॉलेज, देहरादून। आज मेरे शिक्षण का विषय है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी विद्यालयों के निर्माण। इसके अंतर्गत हम मॉडल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिसेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को, हमारे बीएड प्रशिक्षणार्थियों को और जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं, उन सबको ये प्रेरित करेगा एक इंक्लूसिव स्कूल के निर्माण के लिए, कि जो डिसेबिलिटी की जो संकल्पना, जो धारणा हम रखते हैं, उसके प्रति एक समुचित रूप से ये पूरी जानकारियों को उपलब्ध कराने में आपकी मदद करेगा। तो आज हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से मॉडल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिसेबिलिटी के अंतर्गत अगर हम शुरुआत करें इंक्लूजन की, सर्वप्रथम हम इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि इंक्लूजन है क्या। इंक्लूजन एक्चुअली अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो इसका जो संबंध है, यानी कि जो ये लर्निंग इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन के लिए, उन बच्चों से संबंधित है जो वल्नरेबल हैं। किसके लिए? एक्सक्लूजन के लिए। कोई भी बच्चा जो संवेदनशील है, अपनी शिक्षा से जो वंचित रह सकता है, एक्सक्लूड हो सकता है, उसके लिए इंक्लूजन संबंध रखता है, उससे ताल्लुक रखता है। सिर्फ डिसेबिलिटी तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इंक्लूजन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द डिसेबिलिटी, बल्कि ये क्या है, इंक्लूजन मीन्स नॉन एक्सक्लूजन। ये सभी विद्यार्थियों के, जो भी संवेदनशील हैं, जो भी वंचित हो सकते हैं, डिप्राइव हो सकते हैं, हासिल पे जा सकते हैं, पढ़ाई और शिक्षा से विमुक्त हो सकते हैं, उन सब बच्चों को की लर्निंग और उसके पार्टिसिपेशन के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो इंक्लूजन को बृहद अर्थ में हम इस तरीके से लेते हैं। अब हमारे पास डिसेबिलिटी की बात हम करेंगे यहाँ पर इंक्लूजन के अंतर्गत। डिसेबिलिटी के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि विभिन्न शिक्षाविदों ने इसके प्रति जो डेफिनेशन दी है, सभी एक तरह से एकमत नहीं है, सब एग्रीड नहीं करते हैं, विभिन्न तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। यहाँ पर डिसेबिलिटी को मैं ICF 2001 के अंतर्गत डिस्क्राइब करूंगी। इस ICF 2001 क्या है, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ऑफ फंक्शनिंग, किससे संबंधित, डिसेबिलिटी और हेल्थ से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है उसमें तीन अप्रोचेस की चर्चा की गई। ये मुख्य अप्रोचेस, ये उपागम डिसेबिलिटी को समझने के लिए जो ICF 2001 ने दिए हैं, उसमें सबसे पहली अप्रोच है सोशल मॉडल, दूसरा है बायो साइको सोशल मॉडल और तीसरा है मेडिकल मॉडल। इन तीनों मॉडल की अब हम विविध रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो हमें डिसेबिलिटी के विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस को, उसके प्रति सही संकल्पना को विकसित करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम सोशल मॉडल पे आते हैं। सोशल मॉडल के अनुसार डिसेबिलिटी को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, वो इसको सोशल पैथोलॉजी मानता है। यानी डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति विशेष का गुण नहीं है इसके अनुसार, बल्कि ये तो समाज का दोष है और समाज के द्वारा क्रिएट होता है। अगर समाज की सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा ये अगर दोष क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इस तरह की समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए, सामना करने के लिए हमें सोशल एक्शंस की जरूरत पड़ेगी। यानी सामाजिक रूप से हमें क्या करना होगा, उसमें सुधार लाने होंगे, परिवर्तन करने होंगे, बदलाव लाने होगा, और इस तरीके से हम अपने सोशल मॉडल के अंतर्गत डिसेबिलिटी के परफॉर्मेंस को, उसकी फंक्शनिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सोशल मॉडल के अंतर्गत अगर हम बात करें इंक्लूजन की, तो अगर हम बात करें कि अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय के प्रति उसकी जो एक्सेस है, जो पहुंच है, अगर वो प्रभावित होती है, लर्निंग में उसकी डिफिकल्टी होती है, या फिर हम कहें कि जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों के अंतर्गत जो आयोजित किए जाते हैं, उसके पार्टिसिपेशन में उसको कमी महसूस होती है, वो पूरी तरह से भागीदारी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस बच्ची की डिसेबिलिटी को दोष नहीं देते हैं सोशल मॉडल के अंतर्गत, बल्कि हम किसको दोष देते हैं, हम सोशल सिस्टम को, यानी स्कूल के सिस्टम को हम दोष देते हैं कि यानी वो सिस्टम, वो प्रणाली इसी तरह से विकसित नहीं है कि वो इस तरह के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वो असमर्थ है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। इस अर्थ में हमें दो तरह के मुद्दे ये हमारे सामने रखता है। एक मुद्दा है हमारा एटीट्यूडनल मुद्दा और एक है आइडियोलॉजिकल, हम कह सकते हैं, या एटीट्यूडनल। यानी हमें सोशल मॉडल के अंतर्गत डिसेबिलिटी का सामना करने के लिए या उससे संबंधित समस्याओं को सामना करने के लिए जो सामाजिक परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने एटीट्यूडनल और या फिर आइडियोलॉजी को चेंज करना होगा। तो एक मुद्दा तो जहां एटीट्यूड को चेंज करने का है सामाजिक सुधार में, परिवर्तन लाने के लिए, वहीं दूसरा मुद्दा जो है पॉलिटिकल लेवल पे आप कह सकते हैं मानवीय अधिकार का मुद्दा है। तो यहां पर हम आइडियोलॉजी और एटीट्यूड की बात करते हैं। इस एटीट्यूड और आइडियोलॉजी को हम क्या देखना चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारी डिसेबिलिटी किस संदर्भ में ली जाए। ये डिसेबिलिटी इज ए यूनिवर्सल फीचर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है हमारे समाज में, विश्व में व्याप्त, उसी का एक महत्वपूर्ण सर्वव्यापक गुण के रूप में हम डिसेबिलिटी को यहाँ पर लेना चाहते हैं। ये हमारा एटीट्यूडनल मुद्दा है जिसके लिए हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ये यानी इसके अंतर्गत हम डिसेबिलिटी को किस प्रकार लेते हैं, कैसे ये एटीट्यूड और आइडियोलॉजी को हम डेवलप कर पाएंगे। यदि हम अपनी डाइवर्सिटी के रूप में, अगर ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात करें, मानवीय विविधता की बात करें, या हम मानवता की बात करें, तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सुधार लाना पड़ेगा, कौन से सिद्धांत है जिसका अनुपालन करना पड़ेगा कि हम इस तरह के एटीट्यूड को डेवलप कर सकें कि मानवीय विविधता और मानवता के अंतर्गत हम डिसेबिलिटी को शामिल करें, एक डाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। तो उसके लिए दो प्रमुख सूत्र है, एक तो हमें विभिन्नता के प्रति सम्मान रखना होगा, और दूसरा हमें अपने जो डिसेबिलिटी है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये उसी तरह का उदाहरण है मानवीय विविधता का, जिस प्रकार से जैविक विविधता की हम बात करते हैं। अपने पारिस्थितिक संतुलन के लिए, सामंजस्य के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम जैविक विविधता के संरक्षण की बात करते हैं। उसी तरह से अगर हम अपनी ह्यूमन डाइवर्सिटी और मानवीयता को संरक्षित रखना चाहते हैं, सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, तो हमें डिसेबिलिटी को भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा, और हमें ये मानना होगा कि ये तो डाइवर्सिटी का एक फीचर है, पूरी यूनिवर्सल फीचर है, जिस तरह से अन्य है वैसे ये भी है। तो इस तरह से हमारे एटीट्यूडनल और आइडियोलॉजी में चेंज आ सकता है, और हम इस टारगेट को, जो हमारा उद्देश्य है कि डिसेबिलिटी इज ए यूनिवर्सल फीचर ऑफ डाइवर्सिटी, इसको हम अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है डिसेबिलिटी के लिए, ये कंसेप्ट रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सोशल मॉडल की धारणा को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप ये ले सकते हैं, डिसलेक्सिया आपने सुना होगा, तारे जमी पर जो मूवी थी उसका जो बाल कलाकार था वो डिसलेक्सिया यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी से, डिफिकल्ट डिसएबिलिटी से वो अफेक्टेड था। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे में, सोशल मॉडल कहता है कि वो उसकी अपनी डिसेबिलिटी की वजह नहीं था वो दोष, जो उसकी परफॉर्मेंस में जो कमी आ रही थी, बल्कि वो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, मित्रजनों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, विद्यालय के अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियां, वो विभिन्न प्रकार की जटिल स्थितियां से वो प्रभावित था वो बच्चा, जिसकी वजह से उसने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बेहतर नहीं कर पाया। तो सोशल मॉडल उसकी उस डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसलेक्सिया है उसको स्वीकार नहीं करता है कि उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कमी आई, बल्कि वो सामाजिक परिस्थितियों को उसका जिम्मेदार मानता है, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जटिल अंतक्रियात्मक रूप में उस बच्चे को प्रभावित करती। तो यहाँ पर हमने उदाहरण स्वरूप देखा वास्तव में कि उस अध्यापक के द्वारा जो उस डिसलेक्सिया के बच्चे को जो डील कर रहा था, उसने किस तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयास किए, माता पिता से भी अलग से कोशिश की, स्कूल के सिस्टम से भी वो लड़ा, और इस तरह से उस बच्चे का बेहतर प्रदर्शन उसके प्रतियोगिता में देखने को मिला, जो एक अपने में स्पष्ट उदाहरण है सोशल मॉडल का, कि हम इसके अंतर्गत बच्चे की डिसेबिलिटी को दोष नहीं देते हैं, हम उस डिसेबिलिटी को बच्चे का दोष नहीं मानते हैं, बल्कि हम कहते हैं वो समाज का दोष है। इस तरीके से ये हमारा सोशल मॉडल बात करता है। दूसरा मॉडल है हमारा मेडिकल मॉडल। इस मेडिकल मॉडल के अंतर्गत जो डिसेबिलिटी को जो डिफाइन किया गया है वो इसको इंडिविजुअल पैथोलॉजी मानता है, यानी व्यक्ति विशेष का ये दोष मानता है। ये जो भी कमी है डिसेबिलिटी, वो बच्चे की अपनी स्वयं की डिसेबिलिटी है, और ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, और इसकी समस्या के हल के लिए, सामना करने के लिए उसके मेडिकल केयर यानी देखभाल, क्लिनिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जो कि एक डॉक्टर या प्रोफेशनल ही दे सकता है। और इसके अंतर्गत कुछ लोग ये मान सकते हैं कि वो जो प्रॉब्लम डिसेबिलिटी की है, इसके अंतर्गत मानी जाने वाली, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो या तो मेडिकल चमत्कार के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं, या मेडिकल केयर के द्वारा हो सकते हैं, या नहीं भी ठीक हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मेडिकल मॉडल लोगों के बीच में किस तरह की सोच को विकसित करता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि ये जो है डिसेबल व्यक्ति जो है ये उतना सक्षम नहीं है कार्य करने के लिए जितना कि अन्य है। तो ये धारणा जो है बच्चे को इंक्लूजन में इफेक्ट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। अगर एक बच्चे की हम मेडिकल डिसेबिलिटी को अगर आइडेंटिफाई करते हैं और हम कहते हैं कि इस वजह से इसमें ये ना एजुकेट हो सकते हैं, ना ये अपने कामों को भलीभांति कर सकते हैं, इनको बहुत मुश्किल होता है अपने कामों को करने के लिए, तो और हम ये मानना है हमारा कि इनके लिए तो एक अलग सोशल स्कूल होने चाहिए जहां ये
सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और वहीं ये सीख सकते हैं। नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल जो हम कहते हैं, जहां हम इनके इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वहां इन बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये एजुकेट नहीं किए जा सकते हैं। ये बल्कि नॉर्मल बच्चों की जो फंक्शनिंग है उसको भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। परंतु इस धारणा के अंतर्गत हमारा ये कहना है कि इंक्लूजन का मतलब, अगर हम मेडिकल मॉडल के अंतर्गत इसकी बात करते हैं, तो यहाँ मेडिकल मॉडल ये नहीं कह रहा है, इट मीन्स कि इसमें जो इंक्लूजन है, इंक्लूड्स का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को उसकी इस वजह से हम बच्चे को उसकी आवश्यकताओं से दूर कर सकें। इंक्लूजन डजेंट मीन टू कीप द स्टूडेंट्स या टू एक्सक्लूड फ्रॉम हिज डिजायर्ड, जो नेसेसिटी है उससे हम इसको दूर करें। तो यहां पर इस संदर्भ में हम आप देखेंगे हमारे जो एक्ट बनाए गए हैं उसके अंतर्गत विभिन्न प्रोविजंस निर्धारित किए गए हैं। वो प्रोविजंस का जो एम है, उस बच्चे को डिसेबिलिटी के अलग से कैटेगरी में रखकर उसके रेस्ट्रिक्शंस नहीं पैदा करना है, उसके लिए प्रतिरोध नहीं बनाना है समाज में कि लोग उसको एक्सक्लूड करने लगे और उसको अपने से अलग करने लगे, बल्कि वो प्रोविजंस और जो सुविधा बनाई गई हैं उनका मकसद तो उस बच्चे की स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंगली सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, ताकि वो बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रोविजंस मीन्स नॉट रेस्ट्रिक्शंस। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इंक्लूजन सिर्फ बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करता है, कि उसकी जो विशेष आवश्यकता है इंक्लूजन उसकी उससे उसको विभिन्न नहीं कर रहा है, वो उससे उसे एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, वंचित नहीं कर रहा है कि हम बच्चे को शामिल करने के लिए हम उसकी जो जरूरतें हैं उसके प्रति हम बात ही ना करें। आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंस, जिनको आप मेडिकल असिस्टेंस, एक टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जिन्होंने अपने फिजिसिस्ट के रूप में जग ख्याति प्राप्त की, ये एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने। हमारा काम मेडिकल मॉडल के अंतर्गत डिसेबिलिटी को सिर्फ सुविधाओं से संपन्न कराना है, ताकि वो बच्चा अपनी पूरी क्षमताओं के साथ मेन स्ट्रीम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपने जीवन को सुखद बना सके। लेकिन इसके अंतर्गत एक समस्या और देखने में आती है विद्यालयों के अंतर्गत, क्यों हम डिसेबिलिटी के अंतर्गत इंक्लूजन की संभावनाओं को नहीं ढूंढ पाते हैं। उसका एक कारण यह है कि एक टीचर जब ऐसे बच्चे को डील कर रहा होता है, क्योंकि उस पर लेबल होता है डिसेबिलिटी का, जो कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उससे उनको अलग करता है, तो ये अलग करना उनकी दृष्टि में क्या होता है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत कम होती है ऐसे विद्यार्थियों से, टीचर्स की वो एज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये बहुत ये उतना सक्षम नहीं है जितना कि नॉर्मल बच्चे हैं, इसलिए उसके मन में जो धारणा होती है उसकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप क्या होता है, अन्य जो क्लासरूम के जो पीयर ग्रुप है, जो दूसरे विद्यार्थी हैं, वो भी उसके लिए नकारात्मक धारणा रखते हैं और उसको अपनाने से बचते हैं। तो इस स्थिति में उसके एक्सक्लूजन की संभावना बढ़ जाती है। तो एक अध्यापक के रूप में क्या उसे करना चाहिए प्रयास, तो सर्वप्रथम उसको जो लेबलिंग है उसकी, उसको बदलने की आवश्यकता है। वो डिसेबिलिटी की जो लेबलिंग है वो तो उसको सुविधाओं से संपन्न करने के लिए है, वो प्रोविजंस उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो सक्षम बन सके। उस चीज को बिना ध्यान दिए एक टीचर को ये प्रयास करना है कि एक एस्टीम्ड लेबल, यानी कि एक सम्मानजनक स्तर लेबल आपको उसको देना होगा। यानी ये लेबल कैसे दिया जा सकता है कि हाउ स्ट्रांग इज ही, हाउ कॉम्पिटेंट, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें। इस तरह से बच्चों के बीच में जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मेडिकल मॉडल के अंतर्गत डिसेबल बच्चे को, तो उस बच्चे की संभावना अन्य बच्चों के द्वारा स्वीकारने की बढ़ जाती है, उसके दोस्तों की मल्टीफोल्ड तरीके से वो दोस्ती बनने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये मेडिकल मॉडल हमें समझाने में मदद करता है कि इंक्लूजन के लिए ये हमें कैसे प्रेरित कर रहा है। सोशल मॉडल भी हमें रास्ता दिखा रहा है कि इंक्लूजन के लिए हमें क्या परिवर्तन लाना है समाज में, अपनी कार्य प्रणालियों में, सिस्टम में क्या बदलाव लाना है। तीसरा जो मैं बीच वाला जो पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगी, ये बायो साइको सोशल मॉडल है हमारे डिसेबिलिटी को डिफाइन करने का। ये अप्रोच एक तरह से इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, सोशल मॉडल और मेडिकल मॉडल का। इसके अंतर्गत हम डिसेबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये एक हेल्थ की कंडीशन है, लेकिन ये हेल्थ की कंडीशन अपनी इंडिविजुअल कंडीशन नहीं है, केवल बायोलॉजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, बल्कि ये पर्सनल और सोशल, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक और शारीरिक, इन तीनों के आपसी अंतर्क्रियात्मक जटिल रिलेशनशिप का जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो हेल्थ के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल मैं के थ्रू इसको समझा सकती हूँ। साइबर बुलिंग एक शब्द है, आजकल आप देखेंगे
अच्छी से अच्छी बच्चा, हेल्दी बच्चा भी अगर साइबर बुलिंग का शिकार है, तो सामाजिक रूप से साइबर बुलिंग उसको किस तरह से प्रेरित कर रही है, उसकी हेल्थ में उसका प्रभाव आ जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका अटेंशन जो पढ़ाई पे होता है कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है व्यक्तिगत रूप से। तो एक साइबर बुलिंग एक सोशल इश्यू है जो इस तरीके से आप देखेंगे तीनों स्तरों को ये प्रभावित कर रहा है, उस बच्चे की हेल्थ कंडीशन को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बायोसाइको सोशल सोशल अप्रोच के अंतर्गत डिसेबिलिटी को डील कर सकते हैं। यहां पर ये एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको ये समझाया। तो इस तरह से आपने तीन मॉडल के अंतर्गत सिर्फ यही जाना है कि डिसेबिलिटी को हम किस संदर्भ में लें और ये किस तरीके से हम उनकी समस्याओं का मैनेजमेंट करें ताकि हम उनको किसके लिए प्रेरित कर सकें, इंक्लूजन के लिए, जो कि हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स के लिए एक बहुत ही आवश्यक एक क्या है, संकल्पना है। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि इसको आइडियलिस्टिक थ्योरेटिकली तो हम बहुत महसूस करते हैं, पर प्रैक्टिकली हम इसको कैसे महसूस करें, कैसे धरातल पर उतारें। तो ये कोई ऐसी संकल्पना नहीं है कि इस तक मनुष्य पहुंच नहीं सकता है, सिर्फ ज्ञान के आधार पर कि हमारी, अब यहां पर हमें डिसेबिलिटी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंक्लूजन सिर्फ डिसेबिलिटी तक कंसर्न नहीं करता है बल्कि सभी बच्चों की एक्सक्लूजन नॉन एक्सक्लूजन की बात करता है कि किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड न किया जाए। तो यहां पर तो लेकिन हम विशेष रूप से डिसेबिलिटी के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये तीनों अप्रोचेस हमें डिसेबिलिटी के उस मॉडल को समझने में मदद करता है जो उनकी फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। आप उदाहरण के रूप में आप ये मॉडल्स ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी के देख सकते हैं जो यहां पर रखे गए हैं। जैसे आप पहला मॉडल देखेंगे, इसमें जो व्यक्ति है उसमें क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, विदाउट कैपेसिटी लिमिटेशन, लेकिन क्या है वो इम्पेयर्ड है, उसमें दोष दिखाई दे रहा है, विकलांगता दिखाई दे रही है। तो ऐसे बच्चों के साथ आप देखेंगे कि उनकी क्षमताओं में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देखेंगे जैसे डिसफिगरमेंट है, यानी शरीर की में कोई कुरूपता है, विरूपता है, तो वो ये नहीं बता रही है, इम्पेयरमेंट तो बता रही है, उसका दोष बता रही है, लेकिन उसकी कैपेसिटी के बारे में नहीं बता रही है, बल्कि वो सक्षम हो सकता है, परफॉर्मेंस पोटेंशियली कैपेबल हो सकता है। इसी तरीके से एक बार में एग्जाम्पल और लेना चाहूंगी, ये थोड़ा सा अलग शब्द है, बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक रेटिना की डिजीज है, विजन से संबंधित डिजीज है। इसमें क्या होता है, एक डिसेबिलिटी है कहना चाहिए ये, इसमें जो रेटिना हो जाए धीरे धीरे क्या होता है इसमें विजन, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बचपन से ही इसकी विजन तो कमजोर होता ही है, लेकिन साथ साथ एज के बढ़ने के साथ साथ एक ब्लाइंडनेस बढ़ती चली जाती है। तो आप देखेंगे इसमें मेडिकल के द्वारा कोई भी क्योरेबल नहीं है, ये इसमें रेटिना रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में देखिए आप कैसे ये इस डिसेबिलिटी को आप कैसे मतलब फेस करेंगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको सुनाना चाहूंगी जो बिल्कुल वास्तविक और व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की शिकार एक बालिका थी, सुमा पटनायक के नाम से, वो नाम से जानी जाती है, काफी प्रसिद्ध भी रही है। आप देखेंगे कि ये पहले उसका एक लेबल था, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इस विजन उसको बचपन से ही उसके माता पिता ने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, डायग्नोज किया और पता चला कि उसका 2% विजन है जो 30 साल तक वो कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएगी। इसलिए उसको क्या किस लिए तैयार करना है कि ब्रेल के लिए तैयार करो, ब्रेल के द्वारा वो अपनी स्टडी कर सके। तो प्रारंभिक समय में जब उसका थोड़ा बहुत विजन था, कई विद्यालयों ने उसको मना कर दिया था, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल गुड़गांव के द्वारा उसको एडमिशन मिला और वहां उसका स्कूल के अंतर्गत जो सुविधा दी गई उसकी एडमिशन की, और घर के मैं माँ उसको जो थी अपनी उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ाती थी, और क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, इवन मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है जो बड़ा कर सकता है उससे भी वो लड़की आसानी से नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन जब उसके लिए समुचित वातावरण क्रिएट किया गया तो उस वातावरण के अंतर्गत बाद में देखा गया कि उस लड़की ने 10th में मतलब अबव 92% उसने गेन किया। तो ये उदाहरण स्थापित करता है उस बालिका के लिए कि उसने अपने लेवल को कैसे बदल दिया, कैसे समाज परिस्थितियों ने परिवार ने उसके साथ जिस तरह से कॉपरेट किया, उसका ये लेवल बढ़कर उसके प्रतिभा में बदल गया और उसको एक सम्मानजनक स्थिति में उसको पहुंचाया। लेकिन समय के साथ साथ मेडिकल मॉडल के अंतर्गत उसकी डायग्नोसिस भी उसकी डिसेबिलिटी की, और सोशल मॉडल के अंतर्गत वो सिस्टम भी विकसित किया गया जिससे उसका भला हो सके, और इन तीनों के अंतर्गत ये तीनों भी इन्हीं के दोनों के परिणाम है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसका प्रभाव उस बच्चे की फंक्शनिंग में बहुत ही मतलब कहना चाहिए एक अमेजिंग रिजल्ट की तरह देखने में आया। तो ये पहला उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। दूसरा मैं ले रही हूं फंक्शनिंग मॉडल के अंतर्गत, यहां पर बच्चे में परफॉर्मेंस में कमी भी दिख रही है, कैपेसिटी में कमी भी है, लेकिन उसमें इम्पेयर्डनेस नहीं है, यानी कोई दोष प्रत्यक्ष रूप से एविडेंट नहीं हो रहा है कि ये वाकई में विकलांग है या नहीं, लेकिन ये चीजें दिख रही हैं।
तो जैसे इसका वजह क्या है, देखा गया कि एसोसिएटेड विद डिजीजेज, कई ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से क्या है, बच्चा इम्पेयर नहीं है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम सिंपल एक ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल तो हमारा है डिमेंशिया, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। व्यक्ति अच्छा खासा भला दिखता है, तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन मेमोरी लॉस होने की वजह से वो अपने डेली कामों को भलीभांति नहीं कर पाता, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। इसी तरह से पार्किंसंस भी एक बीमारी है जिसका नाम आपने सुना होगा। उससे एसोसिएटेड किस तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है कि मोटर एक्टिविटी को प्रभावित करता है, वो अपने कामों को, दैनिक जीवन के जो सामान्य काम होते हैं उनको भी वो कर नहीं पाता है, न खा सकता है न चल सकता है, उसको लगातार एक असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो आप ये उदाहरणों के द्वारा देख सकते हैं, कोई हमें स्पष्ट रूप से न तो उसमें कोई दोष दिखाई दिया न विकलांगता दिखाई दी, लेकिन परफॉर्मेंस में कमी है। तो इस तरह से ये डिसेबिलिटी के फंक्शंस जो काम करते हैं। तीसरे के अंतर्गत हम देखेंगे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन यहां पर देखा गया कि इम्पेयरमेंट भी नहीं है, उसमें कोई दोष भी नहीं है और उसकी क्षमता में भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं हमारे इसमें एचआईवी पॉजिटिव। अब ये एचआईवी पॉजिटिव किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। एक व्यक्ति जो बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है, आईआईटीएन है, बहुत अच्छी तरह से देश का अपना योगदान दे रहा है, लेकिन इस बीमारी की ग्रसित हो जाने के बाद उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि वो बढ़ चढ़कर पूरी तरह से उस तरह से हिस्सा नहीं ले सकता है जैसे वो पहले लेता था। तो इस तरह से उसको उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रभावित हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जा रही है। नेक्स्ट है कैपेसिटी लिमिटेशन, यानी व्यक्ति में क्षमताओं की कमी है, वो नहीं कर सकता है सक्षम रूप से, कब स्थिति में नहीं कर सकता है, अगर उसको विदाउट असिस्टेंस, अगर उसे सहायता न प्राप्त हो, कोई सुविधा न प्राप्त हो, तो उसकी क्षमताओं में कमी आ जाती है। तो इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण साधारण सा एग्जांपल है मोबिलिटी लिमिटेशंस। अगर किसी व्यक्ति में मोबिलिटी की अक्षमता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा सकता है, पैरों से वो डिफेक्टेड है, नहीं चल सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको असिस्टेंस मिल जाता है, उसको आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिए जाएं, उसके लिए स्कूटर्स, ऐसे थ्री व्हीलर वाले स्कूटर्स बनाकर उसको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो उसकी मोबिलिटी में सारी दुविधाएं और सारी कमियां दूर हो जाएंगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तो हमें सुविधाएं चाहिए जो हमें उसे उपलब्ध कराना है और ये आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम जो है वो बता रहा है कि एक्सपीरियंस अ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे बहुत से अनुभव देखे गए हैं कि व्यक्ति में रिवर्स डायरेक्शन में प्रभाव दिखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिम्ब्स का, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग नहीं कर रहा है बहुत समय तक, तो देखा गया कि कुछ समय के बाद उसकी वो लिम्ब्स के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि डिजेनरेशन हो जाने लगता है सेल का, व्यक्ति अक्षम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि मसल्स एट्रोपी, नाम लिखा है यहाँ पर मसल्स एट्रोपी, इसी का एग्जाम्पल है मांसपेशियां जिसमें क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होगी तो व्यक्ति का चलने फिरने में, शारीरिक जो कार्य हैं उनमें उसका प्रभाव दिखेगा, उसकी अक्षमता झलकती है। तो कहने का मतलब है, ये थोड़े से एग्जाम्पल है मॉडल किसके, फंक्शनिंग के, डिसेबल बच्चों के। एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो इन सब मॉडलों के प्रति सही जानकारी, जागरूकता रखे और इन मॉडलों के जो डिसेबिलिटी मॉडल के सही कंसेप्ट को समझकर प्रेरित हो, तभी वो क्या कर सकता है, इंक्लूजन के कंसेप्ट को प्राप्त कर सकता है। दैट मींस नॉन एक्सक्लूजन। और दूसरा हमारा जो विशिष्ट जो एम है, हम चाहते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है, एक यूनिफॉर्म फीचर की तरह हम डाइवर्सिटी के अंतर्गत उसे शामिल करें, तभी हम इन मुद्दों पर पहुंच सकते हैं। वो जो सैद्धांतिक और जो हमारे आदर्श जो बातें कही जाती हैं, जिसको हमें लगता है कि हमारी पहुंच नहीं है, उसको आसानी से अगर हमें प्राप्त करना है, प्रेरित होना है उस दिशा में, तो अध्यापक लोग अगर इन जानकारियों से समुचित रूप से संपन्न होंगे तो उनके पास फिर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, वो इंक्लूसिव स्कूल्स की अवधारणाओं को सफल कर सके। धन्यवाद।